यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन, सो वी कैन स्टार्ट टुडेज लेक्चर दैट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड डिमांड फंक्शन एंड डिमांड एनालिसिस। वेरी गुड इवनिंग पूजा, अंजलि एंड शिखा, प्लीज डू ज्वाइन एवरी वन। प्लीज ज्वाइन एवरी वन सो वी कैन स्टार्ट अ टूडेज क्लास दैट इज ऑल अबाउट डिमांड एनालिसिस। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरी वन। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट डिमांड एनालिसिस। ठीक है, तो नोट्स अभी तक की जितने मिल गए तो ठीक है, कल वाला नोट्स नहीं दिया है, कल वाला नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो आज तक की जितने नोट्स आपको सभी मिल गए हैं, प्रॉब्ली वाइज टूडे ओनली, आज वाला नोट्स और कल वाला नोट्स दोनों दे देंगे, तो आपको सभी नोट्स मिल गए। लेक्चर 18 लेक्चर हो चुके हैं, 18 लेक्चर, तो 18 के 18 लेक्चर का नोट्स आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, तो टुडेज इज टॉप ऑल अबाउट डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होता है? एक होता है नीड, एक होती है वॉन्ट्स, एक होता है डिमांड। नीड, वॉन्ट, वॉन्ट और डिमांड में अंतर क्या है? नीड होता है जरूरत, विच वी हैव टू बी फुलफिल एट एनी कॉस्ट। मतलब मार्केटिंग की अगर डिफिनेशन की बात करें, नीड होता है जरूरत, रोटी कपड़ा मकान। वॉन्ट होती है चाहत, और डिमांड होती है, डिमांड इज ऑल अबाउट की जो व्हेन द वॉन्ट विल बी कन्वर्ट इन अ डिमांड। वॉन्ट्स आपकी डिमांड में कब कन्वर्ट होती है? जब देर इज ए विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे, मतलब आपका पैसा खत्म करने की इच्छा भी है और आपकी योग्यता भी है, पैसा भी है आप लोगों को। बहुत सारे लोगों का पैसा होता है बट खत्म करने की इच्छा नहीं होती, बट बहुत सारे लोगों पर होता है पैसा नहीं है बट खत्म करने की इच्छा होती है। तो व्हेन द दिस इज लेक्चर नंबर 18, कल वो चेंज हो गया था उसमें थंबनेल में, अदरवाइज लेक्चर नंबर 18 है टुडे। तो विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू पे, बाय पे होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। रोटी कपड़ा मकान इज अ बेसिक नीड। रोटी में आपको वॉन्ट हो गई आपकी, बर्गर चाहिए, कपड़े में ब्रांडेड चाहिए, मकान में आपको बिला चाहिए या फ्लैट चाहिए, दैट कैन बी वॉन्ट्स। तो वॉन्ट्स वॉन्ट्स कैन बी एनीथिंग, चाहत आपका कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट विल बी द डिमांड? डिमांड क्या होगा? डिमांड कब होगा? जब एक स्पेसिफिक चीज के टूवर्ड्स हम लोग कुछ भी चाहते हैं, और जब दोनों चीजें साथ में होती हैं, जब हमारी एबिलिटी टू पे भी होता है, हमारे पास पैसा खत्म करने की योग्यता भी होती है, और विलिंगनेस टू बाय भी होता है, और हम खरीदना भी चाहते हैं, दैट विल बी कन्वर्ट इन अ विलिंगनेस टू बाय, दैट दैट विल बी कन्वर्ट इन अ डिमांड। तो व्हेन द वॉन्ट विल बी कन्वर्ट इन अ डिमांड, चाहत आपकी डिमांड में कब कन्वर्ट होती है बच्चों? वॉन्ट्स, चाहत आपकी डिमांड में तब कन्वर्ट होती है जब आपके पास विलिंगनेस टू बाय, आपकी खर्चा करने की इच्छा भी है और आपकी योग्यता भी है, देन योर वॉन्ट्स विल बी कन्वर्ट इन अ डिमांड। और हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट द डिमांड। तो डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी रिफर्स टू द कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और हाउस होल्ड इज विलिंग टू परचेज फॉर यूनिट ऑफ अ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्राइस। एक इंसान, एक इंडिविजुअल इंसान और एक हाउस होल्ड एक निश्चित समय पर एक 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 स्पेसिफिक पैसे, स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी यूनिट कोई भी चीज खरीदना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी इंप्लाइज डिजायर ऑफ द कंज्यूमर टू द बाय, डिजायर ऑफ द कंज्यूमर टू द बाय द प्रोडक्ट। हमने आपको बोला डिजायर होनी चाहिए, द कस्टमर विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट, और कस्टमर की विलिंगनेस, कस्टमर की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी उसको डिमांड बोलेंगे। बहुत सारे लोगों का पैसा बहुत होता है बट खरीदने की इच्छा नहीं होती, उसको बोलते हैं हम लोग कंजूस।
सफिशियंट परचेजिंग पावर इन द कस्टमर पोजिशन इन द बाय द प्रोडक्ट। सो साथ विलिंगनेस टू बाय के साथ साथ आपकी परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। अगर परचेजिंग पावर आपकी नहीं है तो उसको हम लोग डिमांड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो डिजायर ऑफ द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, कस्टमर की डिजायर होनी चाहिए। कस्टमर विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट, कस्टमर खरीदना चाहता हो। और सफिशियंट परचेजिंग पावर भी साथ साथ में, पर्याप्त आपके पास परचेजिंग पावर भी हो तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड। डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल डिमांड और हाउस होल्ड इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। फॉर द कमोडिटी इन समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज ए मार्केट डिमांड। एक इंसान की जितनी डिमांड होती है उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और सारी इंडिविजुअल डिमांड को एक साथ सम कर दें या एक साथ जोड़ दें उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मार्केट डिमांड बोलते हैं। क्लियर। तो इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट एवर द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, जो हम लोगों की डिमांड है उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। और सारी इंडिविजुअल डिमांड को एक साथ करके उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट डिमांड। आई थिंक आप लोगों को डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज ऑल अबाउट द डिमांड एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द मार्केट डिमांड। अब आगे बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, नॉर्मल अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल गुड्स के लिए कि प्राइस 1 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांड अभी कितनी है, 60 रुपये। प्राइस बढ़ता है नॉर्मली, क्या प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड घटती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डिमांड घटेगी। तो प्राइस हो गया 3 रुपये, डिमांड हो गई 40 क्वांटिटी। प्राइस हो गया 4 रुपये, डिमांड हो गई हमारी 30। तो ऑटोमेटिकली व्हेन द प्राइसेस ऑफ द क्वांटिटी विल बी राइज, योर क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीज। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आपकी डिमांड कम होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। प्राइस बढ़ेगा डिमांड हमारी घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड हमारी बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। द लॉ ऑफ स्टेट डिमांड सेट्रस परिवस, मतलब अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। द लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द लार्जर द क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स वाइस वर्सा। नॉर्मली डिमांड के अलावा अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट हम लोग मान के चले तो लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जितना ज्यादा कमोडिटी का प्राइस लो रहेगा उतनी ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ेगी, वाइस वर्सा उसका उल्टा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। इन सिंपल टर्म्स अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज अदर डिमांड विल बी इंक्रीज। सिंपल है, सिंपल डिमांड की परिभाषा यही कहती है। एजम्पशंस कौन कौन सी मान के चलते हैं, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए इसके साथ साथ, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉन्स्टेंट, यस, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके प्राइस भी बढ़ गए और साथ में इनकम भी बढ़ गई तो डिमांड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस का डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बट कहीं ना कहीं हम लोग एजम्पशन मानकर चल रहे हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉन्स्टेंट, इनकम कंज्यूमर की क्या है, कॉन्स्टेंट है। नो चेंज इन कस्टम्स हैबिट एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स, कस्टम्स में, हैबिट्स में, आपकी आदतों में और क्वालिटी ऑफ द गुड्स में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कोई चेंज उसमें भी नहीं हो रहा है। एंड नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। तो डिमांड की परिभाषा या लॉ ऑफ डिमांड हम लोग कब मान रहे हैं, जब ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमारा कॉन्स्टेंट है, चेंज कस्टम्स और हैबिट्स क्वालिटी ऑफ द गुड्स विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब हम लोग मान के चल रहे हैं डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। अब आया डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज ए न्यूमेरिकल टेबुलेशन दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कमोडिटी एट अ डिफरेंट प्राइस। डिमांड शेड्यूल में भी है टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। हमारा डिमांड शेड्यूल क्या होता है, न्यूमेरिकल टेबुलेशन दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कमोडिटी ऑफ, कितनी क्वांटिटी हमारी कितने प्राइस पे बिकती है उसी को डिमांड शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। दो टाइप का डिमांड शेड्यूल हो सकता है हमारा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये देखिए प्राइस हमारा 6 है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कस्टमर, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी। ए 4 यूनिट ले रहा है, बी 3 यूनिट, सी 5 यूनिट, डी 7 यूनिट, चारों को जोड़ देंगे 4 3 7 5 12 7 19, मार्केट डिमांड कितनी हो गई 19।
तो इंडिविजुअल डिमांड को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड। यहाँ पर प्राइस हमारा 7 रुपये हो गया, इंडिविजुअल डिमांड 3 रुपये हो गई, घट के रह गई 3 रह गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 5 हो गई, ये कितना बचा, 14 हो गया। ऐसे ही प्राइस हमारा 8 रुपये हो गया, इंडिविजुअल डिमांड 2, 1, 3, 4, ये कितना हो गया, 10। यहाँ पर प्राइस 9 हो गया, यहाँ पे कस्टमर ए की डिमांड 0 हो गई, बी की डिमांड भी 0 हो गई, सी की डिमांड हमारी 1 हो गई, और डी की डिमांड हमारी 2 क्वांटिटी, तो टोटल कितना हो गया, 3। तो सारी इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग सम कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड 1, 2, 3, 4, और दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईडीएस वर्सेस एमडीएस। आईडीएस इंडिविजुअल डिमांड, एक इंसान की डिमांड, और ये एमडीएस इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। गॉट इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल्स, एक इंसान की जो डिमांड होगी, किस क्वांटिटी पर, किस प्राइस पर, कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, उन सारी डिमांड को जोड़ देंगे, दैट विल बी बिकम द मार्केट डिमांड। नाउ डिमांड एनालिसिस, डिमांड फंक्शन, ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कम्युनिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट इज नोन एज डिमांड फंक्शन। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कम्युनिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स कौन से होते हैं, वे सब बताएंगे आपको। तो ये दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को दिखाता है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कम्युनिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स इज नोन एज ए प्राइस, इज ए डिमांड फंक्शन। When the relationship relate to the demand by an individual consumer is known as the individual demand function, while it relate to the market is known as the market demand function. ये तो normal पता ही है, जब individual consumer की बात करेंगे तो individual demand function होगा, when it relate to the market it's known as a market demand function. Individual demand function का F QDX is equal to quantity demanded is equal to PX by P1 PN minus 1 TAEYEPU, इन सबको बताएंगे हम क्या है अभी, ठीक है। देखिए QDX हो गया क्वांटिटी डिमांडेड फॉर प्रोडक्ट एक्स, PX प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्स, वाई लेवल ऑफ इनकम क्या इंडिविजुअल का, P1 से लेकर PN-1 प्राइस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट, T कंज्यूमर का टेस्ट, A एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, EY एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम कितनी होगी इस इंसान की, EP एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस कितना हो सकता है प्रोडक्ट का, U अदर डिटरमिनेंट्स नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो ये तो हमारा था, ये हमारा था QDX इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में P इज इक्वल टू क्या है हमारी, पॉपुलेशन, T इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, और तो ऑलमोस्ट रिमेन सब सेम ही चीज है, ठीक है। अब आया डिमांड एनालिसिस में, कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, किन किन वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जाता है, नीचे घटते हुए क्रम में क्यों जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड देयर एग्जिस्ट ए अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। नॉर्मली एज पर द मांग का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है, दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है, दैट इज वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल बात है, सिंपल लैंग्वेज में यही है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, इसीलिए दोनों आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कई द वेरियस रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और डिफरेंट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल अदर थिंग्स, इन सब कारणों की वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जाता है। हम आपको इफेक्ट, इम्पैक्ट और इफेक्ट आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि बेबलन इफेक्ट क्या होता है, स्नब इफेक्ट क्या होता है, बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, उस अगले चैप्टर में आपको यही पढ़ाया जाएगा कि किन किन वजह से, या क्रॉस डिमांड क्या होती है, प्राइस डिमांड क्या होती है, इनकम डिमांड क्या होती है, ये सब आपको कल पढ़ाएंगे, आज केवल बेसिक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अब आया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, किन किन चीजों पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा लागू नहीं होता। इन सर्टन केसेस द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अपवर्ड, पॉजिटिवली स्लोप, इट इज नोन एज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुछ केसेस में क्या होता है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, डिमांड प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ती है, जहां पर हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड की तरफ जाता है, पॉजिटिवली स्लोप, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे गिफ्ट इन गुड्स, इमरजेंसी, वॉर हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया,
कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, कार, फैंसी क्लोथ, या जिसको लग्जरियस क्लोथ बोल रहे हैं, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, फैंसी डायमंड, हाई प्राइस शूजेस, पैन। अब जितनी कॉस्टली चीज़ें होती हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज होती हैं, जो जरूरत जरूरत में चीज़ें नहीं है बट लग्जरियस चीज़ों में आती हैं, प्राइस सोने का प्राइस या डायमंड का प्राइस जितना भी बढ़ जाएगा डिमांड उतनी उसकी और ज़्यादा रहेगी। डिप्रेशन, आर्थिक मंदी देश में चल रही है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज लो। इग्नोरेंस इफेक्ट, हाई प्राइस कमोडिटी इज बेटर इन द क्वालिटी, ये मानकर हम लोग चलते हैं। कुछ लोगों की एक मान्यता ये होती है कि जिन प्रोडक्ट का, जिन चीज़ों का प्राइस हाई होता है उसकी क्वालिटी हाई होती है, हाई वैल्यू प्राइस हाई हाई क्वालिटी मान के चलते हैं। स्पेकुलेशन, फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि आप अनुमान लगा रहे हो कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, उसके चक्कर में आपकी डिमांड अभी बढ़ गई, प्राइस समझ गए, स्पेकुलेशन फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाले उसके चक्कर में आपने चीजें आज और खरीद कर रख ली, अपनी डिमांड को और बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं हम लोग, ये सब हमारे क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आया डिमांड एनालिसिस, सिचुएशन गिवन बिलो आर द केसेस वेयर द इंडिविजुअल डिमांड, ये आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। बैंडवेगन इफेक्ट, स्नब इफेक्ट और बेबलन इफेक्ट, ये अपने आप में चैप्टर आगे बताएंगे। अब आया फैक्टर डिटरमिनेटिंग द डिमांड, जनरल फैक्टर्स, जनरल फैक्टर में आगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पता ही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर चेंज होगी, इनकम अगर आपकी अभी बढ़ेगी तो प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनकम आपकी 100 रुपए से 200 हो गई, प्राइस अगर मान लीजिए 10 रुपए से 20 रुपए 15 रुपए होता है, प्राइस बढ़ा केवल 1.5 टाइम्स और आपकी इनकम क्या हो गई, डबल इनकम हो गई, तो ऐसे टाइम पर आपका डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइसेस में फर्क, अगर एक चीज का प्राइस बढ़ गया तो आदमी कस्टमर शिफ्ट हो जाता है दूसरी चीज की तरफ, चाय से कॉफी की तरफ या कॉफी से चाय की तरफ। एडिशनल फैक्टर, लग्जरियस गुड्स एंड ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इनकम, तो लग्जरियस गुड्स और ड्यूरेबल्स पे कोई भी डिमांड का प्रभाव नहीं पड़ता, कितना भी प्राइस बढ़ जाए डिमांड हमारा हमेशा अपी रहती है। एडिशनल फैक्टर्स में क्या होगा, मार्केट डिमांड, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, सोशल इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर, इससे कोई मतलब नहीं। डिमांड डिस्टिंक्शंस, ये कल पढ़ाया जाएगा आपको, प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड कंज्यूमर डिमांड, ड्यूरेबल एंड पेरिसेबल गुड, ड्राइव डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड एंड फर्म डिमांड, टोटल डिमांड एंड मार्केट सेगमेंट डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड फ्लक्चुएशन एंड लॉन्ग रन डिमांड ट्रेंड, ये आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज केवल बेसिक डिमांड क्या होता है, डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन सब चीजों की आज हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज पर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कॉजेज 1% चेंज इन ईच ऑफ द डिटरमिनेंट्स अंडर कंसिडरेशन व्हाइल द अदर डिटरमिनेंट्स आर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जितना फर चेंज हमारा प्राइस पे हो रहा है या जिस या जो और डिटरमिनेंट्स हैं उसकी वजह से उतना ही चेंज हमको किसमें देखने को मिलता है, डिमांड में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच ना, इसको हिंदी में मांग की लोच ही कहते हैं आई थिंक। तो व्हाटएवर द डिफरेंसेस या व्हाटएवर द चेंजेस यू आर सीइंग इन अ प्राइसेस और अदर डिटरमिनेंट प्राइसेस इनकम और सम अदर थिंग्स इन अ सेम मैनर देयर विल बी अ चेंजेस इन द डिमांड ऑल्सो। ईडी, परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन अ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होता है, प्राइस, इनकम, ठीक है। तो देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम, क्रॉस, प्रमोशनल और एक्सपेक्टेशन। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एक चीज के बढ़ने से या घटने से दूसरी चीज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपका परसेंटेज चेंज प्राइस पे, परसेंटेज प्राइस हमारा 100 से 120 हो गया, 20% बढ़ गया, तो डिमांड हमारी कितने परसेंट चेंज हो रही है, 20% चेंज हो रही है, 15% चेंज हो रही है, 10% चेंज हो रही है। तो वट एवर द चेंजेस यू आर सीइंग वाइल इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पहला आया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, कोई डाउट हो यहां तक बताइए। कोई डाउट है तो बताइए।
आगे बढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्राइसेस में चेंजेस होने से कितना फर्क हमारा डिमांड पर पड़ रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन द इन इट्स ओन प्राइस। प्राइसेस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पर हमारा क्या फर्क पड़ रहा है, तो ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, सिंपल। हियर वी इग्नोर द नेगेटिव साइन एज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज अपोजिट, होती है हमेशा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाइव टाइप्स, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिट इलास्टिक, ठीक है, पांच टाइप की होती है। सेकेंड हो गया हमारा, ये सब बताया जाएगा आपको दोबारा, आज बेसिक समझ लीजिए फिर दोबारा बताएंगे, ठीक है। फिर हुआ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इंसान की, एक इंडिविजुअल की इनकम चेंजेस होने पर या इनकम में उतार चढ़ाव होने पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क पड़ता है, कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं। इनकम आपकी 100 रुपीज से 300 हो गई, 3 टाइम्स हो गई, तो आपकी डिमांड पहले 10 क्वांटिटी थी तो आपकी 30 हो रही है, नहीं हो रही। बस यू जस्ट वॉन्ट टू बी सी द इम्पैक्ट ऑफ द इनकम ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ सम रिलेटेड गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, यहां पर हमारा क्या होगा, सॉरी यहां पर क्रॉस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। तो आपस में दो गुड्स हैं ए और बी, ए और बी गुड्स हैं, उनका एक का प्राइस बढ़ने के, प्राइस बढ़ने या घटने से दूसरे पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स बाय बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। प्राइस गुड्स एक्स का प्राइस चेंज होने से गुड्स बाय की क्वांटिटी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। अब आया फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड पे फर्क पड़ता है। पहला हो गया नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रकृति क्या है। अगर प्रोडक्ट हमारा बहुत बेसिक नेसेसिटी का है जैसे सॉल्ट है, उसके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस का डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपको नमक खाना है उतने नमक खाएंगे आप, पहले प्राइसेस घट जाए या प्राइसेस बढ़ जाए, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्राइस ऑन द डिमांड। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या नहीं। अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है तब और अलग बात होगा। यूजेज ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटीज का यूजेस क्या है, बहुत रेगुलर यूजेस है, लाइट यूजेस है, हैवी यूजेस है, आपको यह भी देखना पड़ेगा। इनकम लेवल्स बढ़ रहा है घट रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट कितना पैसा खत्म कर रहे हैं, पोस्टपोन कंजम्पशन, प्राइस लेवल्स, टाइम पीरियड, ड्यूरेबिलिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, एडवर्टीजमेंट, स्पेशल डिमांड, जैसे मेडिसिन कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े घटे हम लोग मेडिसिन खरीदते ही हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। तो इन सब कारणों से भी फैक्टर्स, ये सब कारण हैं, ये सब फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर फर्क पड़ता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ द कमोडिटीज, इनकम लेवल, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड, आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन खत्म कर रहे हैं, पोस्टपोन कंजम्पशन, कभी हम लोग कस्टमर कंजम्पशन अपनी पोस्टपोन कर देते हैं, आज नहीं चलो 10 दिन बाद खरीद लेंगे, प्राइस लेवल, टाइम पीरियड, ड्यूरेबिलिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, एडवर्टीजमेंट, स्पेशल डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस। अगला है एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब एडवर्टीजमेंट का आपकी क्वांटिटी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू द चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी। आपको व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट और एक्सपेंडिचर पर जितना पैसा खत्म कर रहा है उसका क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क पड़ रहा है, यही है इसमें, ठीक है।
अब आया इंपॉर्टेंसी और सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंसी और सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, कितना कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, कब कितनी इन्वेंट्री कैरी करनी है, कितना रॉ मटेरियल होगा, कितना फिनिश गुड्स होंगे हमारे, कब डिस्पैच करना है, ऑर्डर साइकिल क्या होगी, री ऑर्डर साइकिल क्या होगी, कब अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल कब मंगाना है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्लानिंग के दौरान हमको क्या क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्क पड़ता है। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, प्राइसिंग कैसे करेंगे, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ पब्लिक रिलेशंस, डिक्लेरेशन ऑफ द पब्लिक यूटिलिटीज, थ्योरी ऑफ फॉरकास्टिंग ऑफ डिमांड, ये सब याद करना है आपको केवल। प्लेंटी ऑफ पैराडॉक्स, MR इज इक्वल टू AR, 1 माइनस 1 बाई ई, मोनोपोली मार्केट एंड लिमिट ऑफ मोनोपोली मार्केट, डिटरमिनेंट्स ऑफ द स्टेटस ऑफ द कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, अब आया डिमांड फॉरकास्टिंग, क्या डिमांड को फॉरकास्ट कैसे करते हैं हम लोग, कैसे डिमांड का अनुमान कैसे लगाते हैं हम लोग। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना। फॉरकास्टिंग इज डिफाइंड एज ए स्टडी विच साइंटिफिक प्रिडिक्शन इन रिगार्ड टू एन इवेंट विच मे हैव फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज इधर एट द माइक्रो लेवल और एट द मैक्रो लेवल। आप बीइंग एन अ मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको डिमांड फॉरकास्टिंग करनी होगी कि माइक्रो लेवल पे, एक एक छोटे शहर के लेवल पे, या बड़े टाउन के, बड़े सिटी के लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या कंट्री लेवल पे डिमांड कितनी होगी। तो डिमांड के अनुमान लगाने को किस तरीके से आप डिमांड का फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं उसी को बोलते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग। तो डिमांड फॉरकास्टिंग इज अ प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर सिचुएशन अंडर गिवन द कंडीशन। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि भविष्य में किन परिस्थितियों में कितनी डिमांड रहेगी, एस्टिमेट कैसे लगाएंगे, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, ताकि उसी के अनुसार हम लोग प्रोडक्शन करें। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया तो सरप्लस हो जाएगा, तब भी नुकसान होगा। प्रोडक्शन अगर हम लोग कम करते हैं, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज कमी हो जाएगी। तो वी हैव टू बी मेंटेन द प्रोडक्शन इन अ सच अ मैनर, ताकि और प्रोडक्शन हम लोग तभी मेंटेन कर पाएंगे तब हम लोग फॉरकास्टिंग अनुमान ठीक से लगाएंगे। तो डिमांड फॉरकास्टिंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन रादर देन एस्टिमेशन। तो डिमांड फॉरकास्टिंग एस्टिमेशन नहीं है, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट करना होगा आपको। एज द फॉर्मर वन प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड्स, वेयर इज द लेटर वन ट्राई टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रेजेंट सेल्स लेवल गिवन द सेल डिटरमिनेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के ट्रेंड चेक करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड होने वाली, उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन करेंगे। अब आया स्टेप्स इन डिमांड फॉरकास्टिंग, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहले आप अपने क्या करिए, ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों का पता लगाइए। एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द डिमांड, एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस। आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करिए, ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर करिए कि कितना उद्देश्य क्या है। सेकंड है डिटरमिनेंट्स ऑफ द नेचर ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। नेचर ऑफ द गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स है हमारा, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल है। तो आपको पहले आपको अपने नेचर ऑफ द गुड्स के बारे में पता करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल है। देन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग, फिर हम लोग फॉरकास्टिंग का प्रॉपर मेथड यूज करेंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं आगे बताएंगे आपको। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, फाइनली परिणामों को इंटरप्रिटेट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आया व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फॉरकास्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे डिमांड फॉरकास्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। टाइम पीरियड्स, कितने समय में, कितने समय में आपको फॉरकास्टिंग करना है, कितने समय के लिए फॉरकास्टिंग करना है, मतलब विद इन द 30 डेज हमको फॉरकास्टिंग करना है, वो भी कितने दिन के लिए, 365 डेज के लिए, एक साल के लिए। लेवल ऑफ फॉरकास्टिंग क्या है हमारी, इंटरनेशनल लेवल पे करना है, मैक्रो लेवल पे करना है, इंडस्ट्री लेवल पे करना है, फॉर्म लेवल पे करना है। पर्पस क्या है फॉरकास्टिंग का, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, नेचर ऑफ द कम्युनिटी क्या होगा हमारा, नेचर ऑफ द कंपटीशन कैसा है। कंपटीशन अगर बहुत टफ है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट फॉरकास्टिंग करनी पड़ेगी, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है मार्केट में तो आप फॉरकास्टिंग में कैसा भी करिए फॉरकास्टिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रोडक्ट कम हो जाएगा, डिमांड आपकी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो लोग इंतजार करेंगे क्योंकि बिकॉज मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं है। तो नेचर ऑफ द कॉम्पिटिशन भी बहुत फर्क पड़ता है, कॉम्पिटिशन अगर बहुत टफ है तो फॉरकास्टिंग आपको, प्रोडिक्शन आपको बहुत सही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में सामान आपका नहीं पहुंचा, कस्टमर दूसरे सामान, दूसरे प्रोडक्ट ले लेगा, दूसरी ब्रांड की तरफ स्विच हो जाएगा। अब आया डिमांड फॉरकास्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हेल्पिंग फॉर द कंटिन्यूस प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन, आपका उत्पादन लगातार कंटिन्यूसली चलता रहे, कोई रुकावट ना हो उसमें, इसलिए हम लोग डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं। रेगुलर सप्लाई फॉर द कमोडिटीज,
मार्केट में कमोडिटीज की, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की लगातार सप्लाई बनी रहे। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्राइस थ्योरी, हम लोग प्राइसेस की जो थ्योरीज है प्राइसेस को परमानेंट फिक्स कर सके हम लोग। इफेक्टिव सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स जो भी है मार्केट में ठीक से बनी रहे, आपकी सेल्स ठीक रहे। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपको पता है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो उसी के अनुसार आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए मार्केट में डिमांड है 1000 यूनिट की एक महीने में, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है केवल 200 यूनिट, तो आप चाह के भी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए 5 मशीन लानी पड़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेबर रिक्वायरमेंट, उसी के अनुसार लेबर रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी आपको। अब आया क्राइटेरिया ऑफ द गुड फॉरकास्टिंग मेथड, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट रहे, प्लॉजिबिलिटी, मैनेजमेंट मस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ड्यूरेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो और इकोनॉमी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रहे, बहुत ज़्यादा बहुत कॉस्टली आपको फॉरकास्टिंग नहीं करना है। ये पढ़ाया जाएगा बाद में। तो लास्ट आज यहीं पे ये बेसिक, आज थोड़ा सा कल आपको ये पढ़ाएंगे हम कि डिमांड में बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है, बैबलन इफेक्ट क्या होता है, स्नब इफेक्ट क्या होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कब होता है, यूनिट इलास्टिक क्या होता है, इन सब बारे में कल हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग कल बेसिक्स की बात किया, डिमांड फॉरकास्टिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, मार्केट डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने बात करी। आज में अगर कोई डाउट हो तो बताइए, ये लास्ट वाला आपके आपके काम का नहीं है। वैसे तो डिमांड भी आपके सिलेबस में नहीं है, कॉमर्स में, कॉमर्स पीजीटी में डिमांड सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पुराने पेपर देख रहे थे, 2-3 बार डिमांड के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन डिमांड के हमको देखने को मिले हैं, दैट इज द ओनली रीजन हमने डिमांड कवर किया है। अगर आप सिलेबस देखेंगे कॉमर्स का, पीजीटी का, उसमें डिमांड सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कोई डाउट है तो बताइए। इसीलिए बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में पार्ट नहीं है। कोई डाउट है तो बताइए। Anyone is having any doubt? Hello, once again, thank you so much for joining. Take care.